आप हजरत बल की दरगाह जाने वाले जो अकीदतमंद है उनको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो एकीकृत करने का वो पूरा का पूरा हजरत बल की जो दरगाह है वो प्रोजेक्ट हो या फिर किसानों को एक किसान पोर्टल से जोड़ने का प्रोजेक्ट हो, इन सबको जब जनता को सपोर्ट करेंगे तो एक नई उम्मीद जो है वो यहाँ पर किसानों में, महिलाओं में और उन तमाम लोगों में जो डिजिटल इंडिया में यकीन रखते हैं वो साफ तौर पर नजर आएगी। वो दो छोटी फिल्में जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे वो शुरू हो चुकी थी, वो खत्म हो चुकी है और बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो स्टेज पर होंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल से बस अब थोड़ा इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पोडियम पर और जनता से मुखातिब होंगे। लेकिन यहां पर उन तमाम शहीदों का भी जिक्र हो रहा है, वो शहीद जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता के लिए, जिन्होंने मोदी जी आपको बुलाएंगे, उन्होंने आपको देख लिया है बाबर, हाँ इसको अच्छे से पकड़ के रखिए, आप बैठ जाइए और आप देखिए शहीदों के परिवार जनों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। शहीदों के परिवार जनों को देखिए राबिया मुस्तफा का नाम लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राबिया को नियुक्ति पत्र देखेंगे, पत्र देंगे और साल 2022 में शहीद हुए थे राबिया के जो कांस्टेबल सैफुल्लाह को 2023 में शौर्य चक्र से नवाजा गया। और अब मेरी गुजारिश है रियाज अहमद डार से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना नियुक्ति पत्र हासिल करने के लिए मंच पे आ जाएं। रियाज अहमद डार के भाई एसपी ओझा को इस वक्त याद किया जा रहा है मंच पर और जितने भी शहीदों के परिवारजन हैं उनको नियुक्ति पत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से सौंप रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी का पुरजोर तरीके से सामना किया है, ये वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कश्मीर की हिफाजत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन दोनों लोगों को एक जो शौर्य चक्र पाए थे और मिलिटेंसी का शिकार हो गए, शहीद हो गए थे, बाबर जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वो जरूर आपको बुलाएंगे, बाबर बैठ जाइए, वो पक्का बुलाएंगे वरना वो बुलाएंगे नहीं आपको। अगर हाँ मैं भी पकड़ लेती हूँ, हाँ मैं पकड़ लेती हूँ, मैं दिखा लेती हूँ, जनता को दिखाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ और इसको प्यार मोहब्बत से रखिए और बैठ जाइए और मैं आपको वापस मैं आपके पास आऊंगी। हाँ इसको इसको संभाल के रखिए, इस पे पैर ना लगने पाए, हाँ इसको इसको पैर ना लगने पाए, इसको बहुत संभाल के रखिए, हाँ इसको सर माथे पर रखिए, इसको बहुत संभाल के रखिएगा ठीक है तिरंगे को। हाँ इसको ख्याल रखिए, इसका ख्याल रखिए। और अब भगत अपना अपॉइंटमेंट लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी से हासिल करने के लिए अरुण भगत को भी जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पर तैनात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है उन तमाम लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उन तमाम परिस्थितियों में अपने घर को, अपने परिवार को, अपने अपने खुद के जान की परवाह किए बगैर हिफाजत करने की पूरी कोशिश की है और उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे और अब जो है ये सिलसिला आगे बढ़ा है उन तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आपको बकायदा दिखाई दे रहे हैं, ये एक बार दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए बस, ये दिखा और साबित करने के मौके मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो हाथ का काम होता है ये एक एक गांठ से बनाया जाता है और ये भाईजान जो है उनके हाथ में हिंदुस्तान का नक्शा है और उस नक्शे में तिरंगा रंग है, अशोका चक्र है। वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगी कि उनसे बात करूँ, वो शायद किसी को बुला रहे हैं, किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो देखिए वो जिन शख्स को बुला रहे हैं उनके पास भी ऐसा ही कुछ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका नाम क्या है?
मेरा भारत महान, और ये इन्होंने देखिए खुद इसको तैयार किया। आपका नाम क्या है? बुरदाना जिले के सांबूरा गांव से है। अच्छा, मोदी जी को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखिए अब सब सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अब पहुँच चुके हैं। नाजिम से वो बातचीत करने वाले हैं। रुक जाओ, मैं पुलवामा के सांबूरा नाजिम। नाजिम जी? जी जी सर। किस तरफ? हाँ बताइए। हाँ नाजिम, मेरा नाम नाजिम नजीर है, मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मेरे अपने घर के छत से दो मधुमक्खी के बक्से रखे थे। स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका कथा उनके बारे में। जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे दो मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका कियर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन दो बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले, ऑलमोस्ट 75 kg। जब मैंने वो 75 kg एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में भेजता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया पीएमईजीपी का। पीएमईजीपी के तौर मुझे 5,00,000 रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन 1,000 kg के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 kg शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2,000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर एफपीओ मिला। और एफपीओ के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग लिंकेज, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1,00,000 रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशन में जाते थे, 1,00,000 रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब दो बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण
स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आया मिलता गया। सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं, मगर कहीं पे मुझे